हैदराबाद के साउथ जोन पुलिस की जानिब से आज एक मुनफरिद जॉब मेले का अहतमाम चेलापुरा वुमेन्स पुलिस स्टेशन के कैंपस में किया गया। इस जॉब मेले की खसूसियत यह थी कि यह सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया था और इसकी साउथ जोन पुलिस वुमेन टीम और TMI के इश्तराक से इसका इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा पुराने शहर के लड़कियों ने हिस्सा लिया और कमिश्नर पुलिस के हाथों इन्हें ऑफर लेटर हवाले किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज 300 से 400 लड़कियों को नौकरी फराहम की गई है। ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी मुनक्किद किए जाते रहेंगे। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। गजराव भोपाल साहब के लीडरशिप में अरे हाथ चेलापुरा वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ जोन कैंपस में नीचे करो वो TMI और दूसरे कंपनी के साथ मिलकर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन जॉब कनेक्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। हमारे DCP साउथ जोन अभी बताया कि लगभग 300 से 400 महिलाओं को खवातीन को आज इम्प्लॉयमेंट मिलने का उम्मीद है और हमारे तरफ से सिटी पुलिस के तरफ से सभी कंपनियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपने HR मैनेजर्स रिक्रूटर्स को यहां भेजा और आज जितने भी यहां 1000 से ज्यादा यंग गर्ल्स आई हैं सबको मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों को जो ये इतना अच्छा मौका मिला है इससे जरूर आप फायदा उठाएंगे और आपकी जिंदगी का जो सफर है जो लंबा सफर है आज उसका एक बहुत मजबूत पहला कदम आप लोग लेंगे। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में विमेन के लिए सबसे सेफ जगह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक, इंडिया पुलिस फाउंडेशन के डाटा के मुताबिक हैदराबाद में सबसे कम क्राइम है और इसीलिए जब 2014 में नया स्टेट तेलंगाना बना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री के चंद्रशेखर राव साहब सबसे पहले विमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी दिए और वो शी टीम हो या भरोसा सेंटर हो ये हिंदुस्तान में सबसे पहले हैदराबाद में शुरू हुआ और इसके बाद दूसरे स्टेट सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स, दूसरे देश के मिनिस्टर्स ये लोग भी आकर यहां के फैसिलिटीज को देखें। तो आज जो भी यहां लोग हाजिर हैं सबको सिटी पुलिस के तरफ से आज मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और प्रेस और मीडिया के तरफ से सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर हमारे शहर को हमारे स्टेट को और देश को और बेहतर बनना है तो हर फील्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच।